तो फिर मैं जाता। कल की बात करूं तो कल हमने सारा थ्योरेटिकल पोर्शन कवर कर लिया। यूं तो इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत बड़ा है, लेकिन आप जब तक कि उसका खुद रिकॉल नहीं करेंगे तो आपको याद नहीं आएगा। फिर भी जितना पॉसिबल हो सकता है आज की क्लास में हम इसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं बात करूं जर्नल एंट्रीज की, तो आपको सभी चीज की बेसिक जर्नल एंट्री पता होनी चाहिए। तो स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्रीज से। ओके, अगर जर्नल एंट्रीज की बात की जाए बेटा, तो जर्नल एंट्रीज नॉर्मल, सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है, जब भी कंपनी शेयर को इश्यू करती है और जो एक शेयर होता है किसी एक रेट पर, तो वहां पर होता क्या है कि कंपनी उस चीज को इंस्टॉलमेंट्स में तोड़ लेती है। जैसे कि सबसे पहले एप्लीकेशन पे कुछ पैसा मंगाती है, फिर उसके बाद अलॉटमेंट पे पैसा मंगाती है, उसके बाद फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल हो सकती है, और फाइनल कॉल, राइट। तो इन कॉल्स की बेटा सभी की एंट्रीज होती हैं, सबकी अलग अलग होती हैं, आपके नोट्स में लिखी हुई हैं, आप सभी जानते हैं, राइट। इन सब की जर्नल एंट्रीज आपको आती भी होंगी, लेकिन बेसिक बात आपको सीखने की क्या है, जैसे कि अगर प्रीमियम हो तो उसको कैसे एडजस्ट करते हैं। अगर मैं बेसिक एंट्री की बात करूं, तो जब एप्लीकेशन रिसीव होते हैं बेटा, तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, क्योंकि बैंक हमारी एसेट्स होती है, उसको बढ़ाने के लिए डेबिट करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, अकाउंट राइट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये होते हैं आपकी बेसिक एंट्री। उसके बाद इसको हम क्या करते हैं बेटा, दूसरी एंट्री जो हम डालते हैं वो किस चीज की डालते हैं बेटा, ट्रांसफर करने की एंट्री डालते हैं। तो हम क्या डालते हैं बेटा, जो अकाउंट यहाँ पे हमने ओपन किया है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से, हम उसको डेबिट कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। टू शेयर कैपिटल लगाऊं वेरी टू गुड, शेयर कैपिटल जी हाँ, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर अकाउंट। जो शेयर कैपिटल अकाउंट होता है, ये मैंने आपको कल भी बताया था, ये किस टाइप का अकाउंट होता है बेटा, ये अकाउंट हमारा शेयर, जो शेयर कैपिटल है, ये आपका अकाउंट कौन सा होता है बताएगा कोई? नो बिल्कुल, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। वैसे तो पर्सनल होता है, लेकिन अगर पर्सनल में भी हम टाइप की बात करें, तो पर्सनल में टाइप्स होते हैं। पर्सनल होता है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, पर्सनल के अंदर भी, राइट। यस सर। और आगे चलें, अगर हम बात करें तो इसमें ये हमारी बेसिक एंट्री होती है, ये पहली एंट्री थोड़ी सी अलग होती है, उसके बाद जितनी भी एंट्री होती है वे सेम होती हैं। यहाँ पर तो थोड़ा रिवर्स चेंज क्रम होता है, जैसे पहले बैंक की एंट्री डाली, फिर हमने शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन की एंट्री डाली। लेकिन यहाँ पर जो हमारी बेसिक एंट्री होती है वो बेटा, अगर हम बात करें अपने अलॉटमेंट अलॉटमेंट की, तो जब अलॉटमेंट होता है तो पहले बेटा हम कॉल करते हैं, कंपनी कॉल करती है, तो इसलिए उसकी एंट्री डालती है बेटा शेयर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट अलॉटमेंट अकाउंट अकाउंट डेबिट। डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल, और उसके बाद उसको रिसीव होता है तो उसकी एंट्री भी डाल देती है बैंक बैंक अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट टू शेयर शेयर। अलॉटमेंट। मिल, ठीक है बेटा। तो मैं ज्यादा डेप्थ में जनरल एंट्री नहीं बताऊंगा, सिमिलरली ऐसे ही फर्स्ट कॉल की, ऐसे सेकंड कॉल की, आई थिंक ये आपको पता होगा। हाँ, या ना? यस सर। हाँ जी तो यहाँ पर यस बेसिक सर। एंट्री आपको ये समझना है प्रीमियम की बात को। तो अगर पहली एंट्री पे यानी कि एप्लीकेशन पर ही प्रीमियम हो जाए, तो एक बार रिकॉल कर लेना बेटा, प्रीमियम की जो एंट्री होगी वो यहाँ पर एडजस्ट होती है टू शेयर, सॉरी टू टू सिक्योरिटी, सिक्योरिटी प्रीमियम हाँ जी, टू सिक्योरिटी सिक्योरिटी प्रीमियम प्रीमियम रिजर्व रिजर्व। अकाउंट, ठीक है, पहली एंट्री में। और यहाँ पर जो पैसे आएंगे ना, यहाँ पर कैपिटल का पैसा जितना है प्लस प्रीमियम, दोनों जुड़ के मल्टीप्लाई होगी, याद होगी ये बातें भी। लेकिन अगर यस सर। अलॉटमेंट पे प्रीमियम है तो वो पहले वाली एंट्री में आएगी, यहीं पे टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ऐसे स्टार्टिंग में हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल किए हुए हैं, तो आप उनको जरूर करें, ठीक है। उसके बाद का जो टॉपिक आता है, अगर हम आगे चलें उसके बाद टॉपिक को समझने की कोशिश करें,
तो ये तो जनरल एंटीज का पार्ट था, लेकिन जनरल एंटीज में अलग अलग टॉपिक के अलग अलग होती हैं। जैसे कि एक होती है बेटा कोल सिनेरियर, आया ना? यस सर। एक होता है आपका कोल सिन एडवांस, कोल सिन एडवांस भी होता है, ठीक है। और क्या होता है बेटा? और फीचर भी होता है बेटा। यस सर। और क्या होता है? रेशियो। बिल्कुल रेशियो भी होता है ना। और इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है जनरल रिजर्व, राइट। चलिए इसकी बात हम नोट्स के थ्रू कर लेते हैं ताकि हम थोड़ा सा इसको जल्दी कवर अप कर पाए। पीडीएफ दिखाई दे रही है आपको? यस सर। हम इसमें शेयर कैपिटल का चैप्टर खोल लेते हैं सो दैट can understand easily. ये शुरुआत हो गया शेयर का चैप्टर, राइट? यस सर। देखिए ये है कोल सिन एरियर जी, ये टॉपिक है, आप अच्छे से देख सकते हो। यहाँ पर है आपका कोल सिन एरियर, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए, देखिए बेटा ये है आपका टॉपिक कॉल्स इन एरियर अकाउंट। यहाँ पर जब कोई शेयर होल्डर, जैसे कि यहाँ पर मैं आपकी बात करूं, अगर मैं आपकी यहाँ पर बात करूं स्पेशली किस चीज की बेटा, मान लेते हैं हम शेयर एप्लीकेशन होता है आपका, अलॉटमेंट होता है, फर्स्ट कॉल होती है ना, फाइनल कॉल होती है। यहाँ पे कोई शेयर होल्डर था मान लीजिए जिसके पास 100 शेयर थे, वो फेल हो गया फर्स्ट कॉल देने में, उसने अलॉटमेंट भी दे दिया ये भी दे दिया। तो जब कोई बंदा फेल हो जाता है देने को, इसको ही हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉल्स इन एरियर। तो यहाँ पर याद रखना जब कॉल्स इन एरियर होता है तो यहाँ पर जब फर्स्ट कॉल पे जितना पैसा आना चाहिए था वो पैसा नहीं आ पाता, ठीक है। तो उस टाइम पे हमें एक कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना पड़ता है। यहाँ पे तो लिख रहा विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, लेकिन क्योंकि ऑब्जेक्टिव है इस बार तो आपसे अगर वो इस बात को टॉपिक को पूछेगा तो जाहिर सी बात है वो आपसे क्या करवाएगा, पूछेगा आपसे कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्या करवाएगा बेटा, आपसे ओपन कराएगा, है ना। तो इसको देख लेते हैं कॉल्स इन एरियर, ये तो कॉल्स इन एडवांस है ये रहा। तो वहन ये लिख रहा है, आपको देख सकते हैं आप कि वहन वी वेट ये रहा, When we are open a new account, जब हम ओपन करते हैं तो जिस भी कॉल पे है, जैसे कि शेयर अलॉटमेंट पे है तो पहले ड्यू की तो सिंपल एंट्री डालते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये नॉर्मल एंट्री होगी ड्यू की एंट्री। लेकिन जब आप इसको रिसीव करते हैं तो बेटा बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपके पास पैसे कम आएंगे। लेट अस सपोज यहाँ पे हम चलो एग्जाम्पल मान लेते हैं, एप्लीकेशन यहाँ पे 100 रुपए थे, एप्लीकेशन 3 रुपए का था, अलॉटमेंट मान लेते हैं 2 रुपए का था, तो इसने यहाँ पे पैसे नहीं दिए तो कितने रुपए नहीं आए अलॉटमेंट पे बेटा, 100 गुना 2। तो यहाँ पर बैंक के सामने जो पैसे यहाँ पर कॉल सिन एरियर नहीं आएगा वो आएगा 100 गुना 2, यहाँ पर 200 रुपए नहीं आएंगे। लेकिन अलॉटमेंट लेट अस सपोज पूरा अलॉटमेंट कितने का था, टोटल शेयर थे 1000, तो 1000 कितना गुना 2 अलॉटमेंट, तो यहाँ पर जो रिसीव अलॉटमेंट वो किया होगा ड्यू, तो 1000 गुना 2 यानी कि
2000 रुपये और 2000 रुपये। जी तो लेकिन यहाँ पर, यहाँ पे भी 2000 रुपये क्रेडिट में आएंगे लेकिन 200 रुपये नहीं आएंगे 2000 में से, तो कितने आएंगे बेटा? 1800। तो बस इस तरीके से कॉल सिनेरियो अकाउंट ओपन होता है। गॉट इट? यस सर। तो ये होता है कॉल्स इन अरियर अकाउंट। अब आते हैं बात कॉल्स इन एडवांस की बात। तो कॉल्स इन एडवांस को समझने के लिए समझिए, व्हेन अ कंपनी मनी फ्रॉम द अलोटर्स, यानी कि जिनको शेयर हमने अलोट किए हैं, अगेंस्ट द कॉल नॉट येट मेड, सच अमाउंट नॉट येट मेड, नॉट येट मेड का मतलब है अब तक हमने नहीं मांगी है, कॉल नहीं मांगी है, सच अमाउंट इज नोन एज कॉल्स इन एडवांस, और वो ऐसी अमाउंट जो है कॉल्स इन एडवांस कहलाती है। यानी कि मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ जैसे कि यहाँ पर हमारे पास पैसा था बेटा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और बेटा फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल, बिल्कुल। यहाँ पे 3 रुपए, 3 रुपए और 3 रुपए और 1 रुपया, तो यहाँ पे मान लेते हैं हमारा 10 रुपए थे। यहाँ पे कोई शेयर होल्डर था जिसके पास 100 शेयर थे, जिसका नाम ए था। उसने क्या किया, एप्लीकेशन भी दिया, अलॉटमेंट भी दिया, लेकिन व्हेन द फर्स्ट कॉल वाज मेड, जब पहली कॉल मांगी गई तो उसने फाइनल कॉल का पैसा भी यहीं पे दे दिया। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो बेटा जब ये फर्स्ट कॉल का पैसा, सॉरी फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल पर ही आ गया है, तो इसका मतलब ये इस टाइम पर आपके पास एक लाइबिलिटी हुई, हाँ या ना? देखिए एडवांस जितने भी आपके पास आते हैं वो आपकी लाइबिलिटीज होती है, एक तो वो लाइबिलिटीज होगी, इस बात को समझिए। दूसरी बात ये कि इसके इफेक्ट दो एंट्री पाएंगे, एक तो जब फर्स्ट कॉल रिसीव करोगे तो पैसे ज्यादा आएंगे कम आएंगे, ज्यादा आएंगे फर्स्ट कॉल के भी हार, और एक फर्स्ट कॉल पे इम्पैक्ट पड़ेगा, फर्स्ट कॉल पे जितने पैसे आने चाहिए थे उतने नहीं आएंगे क्योंकि एक शेयर होल्डर था जिसके पास शेयर थे वो पहले ही दे चुका, तो यहाँ पर पैसे कितने आएंगे, कम कम आएंगे। ठीक है, अब इस बात को समझिए। देखो अलॉटमेंट फिगर के दिखा रखी है एग्जांपल के लिए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो जब बैंक में आप रिसीव करोगे तो एंट्री डालोगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि मैंने बताया आपके पास ये लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है, तो टू कॉल्स इन एडवांस, तो देखो आप क्रेडिट कर का, और हर लाइबिलिटी का बैलेंस कैसा होता है बेटा, क्रेडिट होता है, दैट्स व्हाई वी क्रेडिट इट। तो टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, समझ में आ गई ना बात? तो ये जिस टाइम पे अलॉटमेंट पे है, हमने एग्जांपल तो मानना कुछ और, लेकिन ये एग्जांपल जो यहाँ पे लिखा है वो कुछ और है, यानी कि अलॉटमेंट पे पैसा आ गया, तो जिस भी कॉल पर पैसा आ जाएगा, जैसे यहाँ फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल पे आ गया, तो एंट्री पता क्या डलेगी, जैसे कि टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर टू कॉल्स इन एडवांस और टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, समझ में आ गई ना बात? क्लियर? लेकिन इसका इम्पैक्ट जब आप दूसरी एंट्री डालोगे, जब फाइनल कॉल डालोगे तो तब एंट्री क्या डालेगी बताओ, शेयर सेकंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर टू शेयर कैपिटल, ये तो शेयर कैपिटल हो जाएगा, लेकिन जब आप रिसीव करोगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, लेकिन यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस इस टाइम पे कॉल्स इन एडवांस डेबिट होगा, इस बात को आपको याद रखना है। यस सर। बस ये होती है दोनों बातें, क्लियर होगी बात सभी को? हाँ जी सर। ठीक है, देखो जैसे एग्जांपल भी यहाँ पे है हमारे पास, अगर आप चाहते हैं इसको करना तो आपसे एग्जांपल के थ्रू कर सकते हैं अपने नोटबुक में नोट। एप्लीकेशन पे 2 रुपए थे है ना, और एप्लीकेशन पे 3 रुपए थे, अलॉटमेंट पे 2 रुपए, 3 रुपए थे, 2+1 करके, यानी कि 2 रुपए की कैपिटल थी, 1 रुपए का प्रीमियम था, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए, फाइनल कॉल पे। तो एक रामलाल था जिसके पास 1000 शेयर थे, उसने फर्स्ट कॉल भी अलॉटमेंट पे दे दी और फाइनल कॉल भी अलॉटमेंट पे दे दी, एडवांस दे दी, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। क्लियर? यस सर। ओके, इश्यू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश हम बात में करेंगे। अब फॉरफीचर को समझिए। देखो फॉरफीचर में क्या होता है बेसिक, जब कोई शेयर होल्डर हमारे पैसे देने से क्या मना कर देता है, पैसे देने से मना कर देता है, उसको नोटिस दिया जाता है, उस नोटिस को देने के बाद भी वो पैसे नहीं देता, तो जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल लेकर चल रहे कि कॉल्स इन
अच्छा कोर फीचर कोसिन एडवांस की वजह से होना चाहिए या कोसिन एरियर की वजह से होना चाहिए? सर कोसिन एरियर की वजह से। जाहिर सी बात है भाई, हमारी यहाँ पे एप्लीकेशन था, अलॉटमेंट था, फर्स्ट कॉल थी और फाइनल कॉल थी। यहाँ पे एप्लीकेशन 3 रुपए की थी, अलॉटमेंट भी 3 रुपए का था, फर्स्ट कॉल भी 3, टोटल 10 रुपए थे। एक शेयर होल्डर था जिसके पास 100 रुपए थे, जिसने हमारी क्या करा, फर्स्ट कॉल नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी। जब उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी तो एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दिया, उसको नोटिस दिया भैया आपकी फर्स्ट कॉल ड्यू है दे दो, उसने नहीं दी, उसने टाइम जो गिवन पीरियड था वो भी नहीं दिया। तो उस टाइम पे क्या होगा बेटा, उस टाइम पे इसके शेयर यहाँ पर क्या कर दिए जाएंगे, फॉरफिट कर दिए जाएंगे। क्या कर दिए जाएंगे बेटा, उसके शेयर यहाँ पे फॉरफिट कर दिए जाएंगे कि आपके शेयर अब जब्त कर दिए जाएंगे। कल भी हम इस टॉपिक को देख रहे थे, तो अभी मुझे एकदम से रैंडमली बताएंगे कि इसका मिनिमम रीइश्यू प्राइस कितना होना चाहिए। मिनिमम रीइश्यू प्राइस 6। मिनिमम रीइश्यू प्राइस कितना होना चाहिए? 4 रुपए। हाँ जी बिल्कुल सही है, 4 रुपए मिनिमम होने चाहिए। वंस बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रहे हो तुम, क्योंकि तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंस लग रहा है कि मुझे शेयर आता है। कल क्वेश्चन किए ही नहीं तुमने तो तुम्हें बता गया सर भाई, 3-3, 6 रुपए तो आ चुके ना, 6 तो आ रहे, 4 रुपए नहीं, 6 रुपए आ चुके, 4 रुपए रह रहे। तो भाई 4 रुपए में कम से कम आपको रिश्यू करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पूरे करने हैं 10 रुपए। कल भी इतना टॉपिक बताया फिर भी नहीं समझते आप। अच्छा मैं कहूँ मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट कितनी है? 6। अब है 6, तो वंश रट्टा मारने से अच्छा है कि आप समझो। कल मैंने पहला क्वेश्चन ही पूछा था तो तेने ने जोड़ के बता दिया। ये टॉपिक देखो पूछ क्या रहा है एग्जामिनर, मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट पूछ रहा तो फॉरफिटेड अमाउंट होती है, और मिनिमम रीइश्यू प्राइस देख रहा तो आपको ये देखना पड़ता है कितने रुपए आ गए और कितने रुपए बाकी हैं। ठीक है? यस सर। ठीक है, समझ में आया सर। हाँ समझ में तो कल भी आ गया था बेटा, लेकिन आप ऐसे हिम्मत तोड़ देते हो ना मेरी भी। हमारे आगे सर समझ में। ठीक है, वेरी गुड, आगे चलो। तो हम बात कर रहे थे खैर फोर फीचर की, है ना, हम बात कर रहे थे फोर फीचर की। और फोर फीचर में समझने के लिए सबसे पहले आपको देख ध्यान से मेरी बात को समझना जो मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये एग्जाम में जब टफ क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे तब ये बात आ जाएगी। पहली बात तो ये समझना यहाँ पे फोर फीचर में मेरे बच्चों, वेट, यहाँ पर ध्यान दो। फोर फीचर में दो बात को ध्यान रखना आप बिल्कुल अच्छे से, ठीक है जी। फोर फीचर में दो बातें याद रखना हमेशा, जिस बंदे से आपने शेयर फॉरफिट कर रहे हो तो क्या उसके पास प्रीमियम भी थी? अगर प्रीमियम थी और प्रीमियम पास थी, या क्या थी बेटा, प्रीमियम फेल थी, ये बात आपको ध्यान देनी। क्या आप इस बात को समझ पा रहे प्रैक्टिकली मैं क्या कहना चाह रहा? मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक काम करते हैं, अगर कोई बच्चा ना समझ पा रहा हो तो देखो बेटा, ये दो एग्जाम्पल ले लिए मैंने, एक और दो। यहाँ पे मैंने मान लिया एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल, यहां तक कोई दिक्कत? एप्लीकेशन 3 रुपए का, अलॉटमेंट जो था वो 3+1 का था, फर्स्ट कॉल आपकी 3+1 का था और फाइनल कॉल 1 रुपए की थी, यानी कि 10+2 था। ये तो बात समझ में आ गई होगी मैं इस बात में इसमें हो क्या रहा है। एप्लीकेशन yes, थी यहाँ पर, एप्लीकेशन जो थी बेटा वो एप्लीकेशन यहाँ पर भी 3 रुपए की मान लेते हैं, चलो ये भी चलो सेम मान लेते हैं, 3+1, 3+1, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पर भी हम 1 रुपए मान लेते हैं, यहाँ पे भी 2+2 हो गया, कोई दिक्कत परेशान नहीं। अब एक शेयर होल्डर मान लेते हैं राम, और उसके दो सरकमस्टेंसेस मान लेते हैं, दो सरकम, पहला है राम, एक राम है जिसने एप्लीकेशन भी दे दी, अलॉटमेंट भी दे दिया और फर्स्ट कॉल भी दे दी, लेकिन फाइनल कॉल नहीं दी, गॉट इट। एक एग्जांपल ये मान के चले, एक एग्जांपल मैं मान लेता हूँ श्याम, एक हमारे श्याम लाल थे जिसने एप्लीकेशन भी दे दी
अलॉटमेंट भी दे दिया लेकिन फर्स्ट कॉल नहीं दिया। दिखाई तो दे रहा होगा ना पिछले yes, राइटिंग दिक्कत तो नहीं कर रही? नो सर। ठीक है, अब दोनों कंडीशन आपके सामने है, आपको मुझे ये बताना है कि प्रीमियम कौन से में फेल है, या दोनों में फेल है या दोनों में फेल नहीं। सर प्रीमियम शाम वाले में फेल है। हाँ जी, प्रीमियम जो है, प्रीमियम वाला जो केस है वो श्याम वाले पे लग रहा है, जबकि उसने प्रीमियम दे भी रखी देख पा रहे, और जबकि प्रीमियम नहीं भी दे रखी। इसमें दोनों में प्रीमियम तो है लेकिन प्रीमियम दोनों पे पास है क्योंकि राइट लग रहा है, तो इसका अगर प्रीमियम है लेकिन पास है यानी कि उसने पेमेंट कर रखी है तो उस टाइम पे कुछ इसका महत्व नहीं रह जाता अगर प्रीमियम पास है। लेकिन अगर प्रीमियम है और प्रीमियम फेल है, चाहे वो दोनों फेल होती चाहे एक फेल होती, तो दोनों केस अलग अलग तरह से ट्रीट होंगे। क्या आप ये बात समझ गए? Yes, ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि फॉरफीचर की एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर, यहाँ पर फॉरफीचर बैलेंसिंग फिगर से आएगा, और टू अनपेड कॉल्स, यहाँ पर आएगा कॉल्स इन अरियर टोटल। क्लियर? यस सर। ये लेकिन कब एंट्री डालेगी? ये जब प्रीमियम पास हो या प्रीमियम हो ही ना, या तो प्रीमियम हो ही ना या प्रीमियम पास हो। फेल नहीं मंस पास पे सर, आगे आ जाओ। लेकिन अगर प्रीमियम थी और प्रीमियम क्या हो गई, फेल, तो ये वाली एंट्री डालेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू अनपेड कॉल्स। एंट्री बिल्कुल सेम है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ ये वाली लाइन नहीं है इसमें। क्लियर? और याद रखना इस बात को, स्पेशल याद रखना, अगर प्रीमियम है और वो फेल है तो वो डेबिट होती है, और उतने रुपए से डेबिट होगी। जैसा मैंने एग्जांपल माना था, माला श्यामलाल के पास 100 शेयर थे और आपने देखा था ना प्रीमियम 1+1 थी, अलग अलग, एक पास थी एक फेल थी, तो आप यहाँ 100 × 1 करोगे, बस दो नहीं करने के, क्योंकि 1 रुपए तो फेल था ना। यस सर। क्लियर? आगे यस सर। तो ये दोनों एंट्री डालेंगे, आपको इस बात का ध्यान रखना है। सिमिलरली आपको याद रखना है एक बात पे और, कि अगर आपके शेयर, ये तो हो गया फॉरफीचर की एंट्री, दूसरी एंट्री होती है मेरे बच्चों रीइश्यू की एंट्री। रीइश्यू की एंट्री क्या कराती है आपसे? रीइश्यू की एंट्री भी कोई बड़ा टास्क नहीं है भाई। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक तो डेबिट होगा क्योंकि दोबारे से पैसे आएंगे, जाहिर सी बात है, जब हम शेयर इश्यू करते हैं दोबारे से, सॉरी फर्स्ट में टाइम पे भी जब हम इश्यू करते हैं तो आपकी पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट ही डलती है, हाँ या ना? Yes, और क्योंकि कैपिटल से, क्योंकि जो पैसा आएगा वो शेयर कैपिटल में चला जाएगा, इसलिए टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे रीइश्यू, ये याद रखना जरूरी है, यहाँ पर आएगा बेटा रीइश्यू प्राइस, है ना, और इनटू फेस वैल्यू ऑफ कोल्ड अप मनी। ठीक है, ये कोल्ड अप मनी क्या होती है मैंने आपको सब पहली क्लास में समझा दिया था, तो ये वाली एंट्री डलती है। तो रीइश्यू की दोनों केस में सेम एंट्री होगी, चाहे प्रीमियम पास हो चाहे प्रीमियम फेल हो, दोनों में रीइश्यू की सेम एंट्री है। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट एंट्री जिसके क्वेश्चन जरूर 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 आएगा, वो ये टॉपिक है, आपसे अमाउंट ये पूछी जा सकती है, कि आपसे एंट्री पूछी जा सकती है, अमाउंट पूछी जा सकती है, याद रखना कि कितना पैसा कैपिटल रिजर्व में जाएगा। ये एक वर्ड है बेटा, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, यहाँ पे स्पेशल फोकस बनाएंगे, और एक होता है रिजर्व कैपिटल, तो इन दोनों में डिफरेंस यही समझ लो बेटा। जो रिजर्व कैपिटल होती है वो कैपिटल का पार्ट है जो कंपनी ने अभी तक कॉल मेड नहीं की है, जिसको मांगा ही नहीं है कंपनी ने, ये वो वाला शेयर है जो कंपनी ने उठा के रख लिए, कंपनी अपने वाइंड अप के टाइम पे मांगेगी। जबकि रिजर्व कैपिटल क्या होता है इसको समझ लीजिए, यहां तक तो समझ में आ गया ना। कैपिटल रिजर्व वो होता है बेटा जो कंपनी अपने कैपिटल प्रॉफिट में से उठा के रखती है। ठीक है, यहाँ पर इसका कंसेप्ट बेस इसलिए आता है जब आपने शेयर को फॉरफिट करे। कभी कभी क्या होता है, कंपनी जो है शेयर क्या कर लेती है बेटा, फॉरफिट कर देती है। आपने देखा ना कंपनी ने शेयर को फॉरफिट कर देती है, मान लीजिए किसी कंपनी ने उसके 6 रुपए फॉरफिट कर लिए और वो शेयर जो था वो 10 रुपए का था, कितने का था बेटा, 10 रुपए का,
और कंपनी ने उसको रीइशू कर दिया। कंपनी ने उसको क्या कर दिया बेटा, कंपनी ने उसको रीइशू कर दिया, अगेन रीइशू कर दिया, जब क्योंकि उस 6 रुपए तो फॉरफिट कर लिए थे। अब कंपनी ने उसको रीइशू कर दिया, रीइशू जब करा तो बेटा उसको लेट अस सपोज उसको रीइशू जो कंपनी ने करा वो 7 रुपए में कर लिया, ये चलो 7 रुपए नहीं मानते, सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगी, नहीं तो हम इसको मानते हैं कंपनी ने इसको जो है 5 रुपए में क्या कर दिया, रीइशू कर दिया। गॉट इट? यस सर। 5 रुपए तो नहीं, 4 रुपए में मानना पड़ेगा ना। वेट वेट, कंपनी ने इसको क्या करा बेटा, रीइशू कर दिया 4 रुपए में, ठीक है। अब जब ये फोरफिट करे 6 रुपए तो कंपनी के पास फायदा हुआ नहीं हुआ कंपनी को? Yes, और sir. जब रीइशू करा उस टाइम पे भी फोरफीचर की अमाउंट आई, तो इन दोनों का बैलेंस जब घटा देता है कंपनी, इन दोनों का जो बैलेंस घटा देते हैं और जो पैसे बचते हैं, मान लीजिए यहाँ 100 रुपए बचे, तो इन कंपनी कहाँ ट्रांसफर कर देती है बेटा, कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट होता है। कल मैंने आपको बता दिया था रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होता है और कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है। तो ये शेयर फॉरफीचर की अमाउंट कैसे आएगी, तो पहले जितना भी आपका देखो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको इस बात को, ये यहाँ पर अमाउंट जो आपकी आएगी वो आएगी कि रीइश्यू के टाइम पे नहीं बल्कि किस टाइम पे, फॉरफीचर के टाइम पे, जो फॉरफीचर अमाउंट थी वो माइनस कर दोगे आप रीइश्यू वाला फॉरफीचर, रीइश्यू वाला फॉरफीचर, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कराए थे आपको। तो वो जो बैलेंस होगा वो यहाँ पे आएगा। क्लियर? Yes, sir. अच्छा, दूसरी बात, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कंपनी फोरफिट तो कर ले, जैसे कंपनी ने फोरफिट तो कर ले 100 शेयर, लेकिन रीइश्यू करे कितने, 50 शेयर। तो उस टाइम पे आपको याद रखना पड़ता है बेटा, ये जो 100 रुपए का फोरफीचर है, सपोज करो 1000 रुपए है, तो आपको निकालना पड़ेगा कि 1000 रुपए का फोरफीचर 100 रुपए के लिए है, आपको चाहिए कितने के लिए, 50 के लिए। तो उसको ऐसे करके माइनस, और रीइश्यू का मान लीजिए फोरफीचर आपके पास मान के चलते हैं 150 रुपए है, तो वो 150 रुपए यहाँ से माइनस हो गए, तब आएगा बैलेंस यहाँ पर। क्लियर? तो yes, इन टॉपिक को आप इसके न्यूमेरिकल करोगे तभी ज्यादा समझ में आएगा, इसको बहुत अच्छे से करना है। सेम फॉरफीचर की रीइश्यू की एंट्री यहाँ पे डलती है। फिर आता है बेटा आपका फॉरफीचर इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, तो ये स्पेशल केस होता है, सबसे इम्पोर्टेंट भी होता है, इस केस को आप ध्यान से समझेंगे। फॉरफीचर इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रोराटा अलॉटमेंट, तो प्रोराटा अलॉटमेंट बेसिकली बेटा होता क्या है, प्रोराटा अलॉटमेंट बेसिकली आपको समझने के लिए ऐसे समझना पड़ेगा, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको हर बार, कि मान लीजिए आपके पास आप लंच करने आए और स्कूल में आप लंच टिफिन लेकर आए अपना लंच के लिए, और टिफिन में जो है बेटा आप लेट अस सपोज 4 पराठे लेकर आए, आप 2 अपने लिए और 2 अपने फ्रेंड के लिए, तो टोटल 4 पराठे आप लेकर आए थे। लेकिन स्कूल में क्या हुआ कि एक फ्रेंड और एंट्री हुआ कि भाई मैं भी तुम्हारा लंच करूंगा। अब उस टाइम पे आपने देखा आप तो 2 के लिए लेकर आए थे, हाँ या ना? Yes, sir. अब होगा क्या उस टाइम पे, इस बात को ऐसे समझिए कि आपके पास 2 ऑप्शन है, कि क्या तो आप इस थर्ड फ्रेंड को मना कर दो कि भाई वापसी जा, तो हम तुझे पराठे नहीं दे सकते, या आप क्या करो इन 4 पराठों को डिवाइडेशन कर दो, हाँ या ना, अलग अलग, तू कुछ तू भी ले ले, कुछ तू भी ले ले, कुछ तू भी ले ले। तो उस टाइम पे आप उसको रिजेक्ट नहीं करते, उसको बुरा भी नहीं लगता। सिमिलरली कंपनी करती है, कभी कभी कंपनी के पास एप्लीकेशन जो है वो क्या हो जाते हैं बेटा, ओवर आ जाते हैं, ज्यादा आ जाते हैं, उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम पर जैसे कंपनी ने 1000 शेयर इश्यू करे और सपोज करो कंपनी के पास 1200 शेयर की एप्लीकेशन आएंगी, तो कंपनी चाहे तो इन 200 शेयर होल्डर को जिन्होंने 200 मांगी इनको क्या कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है। या कंपनी क्या कर सकती है, रिजेक्ट करने के अलावा इन 200 शेयर के पैसे को क्या करवा सकती है बेटा, एडजस्ट करा सकती है ना। यहाँ पे ध्यान रखना, शेयर एडजस्ट नहीं करती कंपनी, शेयर के पैसे एडजस्ट करती है, मनी एडजस्ट करती है। और दूसरी बात, इन दोनों का क्या कर सकती है, बोथ कॉम्बिनेशन, कुछ रिजेक्ट कर दे और कुछ के पैसे क्या कर दे बेटा, एडजस्ट कर दे। तो उसी टाइम पे स्पेशल केस बनता है जब क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो, प्रोराटा भी हो, और प्रोराटा अलॉटमेंट में फॉर फेल ऑन दोज कॉल ऑन विच मनी इज ऑलरेडी एडजस्ट।
जैसे पैसा एडजस्ट करते हो आप, पैसा जैसे कि यहाँ पर एप्लीकेशन था आपका, अलॉटमेंट था आपका, फर्स्ट कॉल थी आपकी, फाइनल कॉल थी, मान लीजिए ये था, आपके पैसे ज्यादा आए हुए हैं, ठीक है, ज्यादा आने की वजह से आपने पैसा जो है अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया हुआ है, ठीक है। अलॉटमेंट पे क्या रखा बेटा, एडजस्ट कर रखा है, और कोई शेयर होल्डर यहीं फेल हो गया, तब बनता है स्पेशल केस। आपको पता ना हो ओवर सब्सक्रिप्शन में पैसे ज्यादा आते हैं तो आप उनको एडजस्ट ही करते हो, दैट्स वाई हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि पैसा ज्यादा आते हैं। लेकिन कोई शेयर होल्डर, कोई पर्टिकुलर शेयर होल्डर यहीं पर ही फेल हो जाए, ठीक है, कोई शेयर होल्डर यहीं पर फेल हो जाए, इसको बोलते हैं प्रोराटा पे स्पेशल केस, की वो वहीं पर फेल हो गया जहां पर पैसा एडजस्ट किया। गॉट इट यहां तक? और बेटा उसमें क्या एंट्री, उस क्वेश्चन में क्या हो जाए, उस क्वेश्चन में फोर फीचर भी हो जाए, उस क्वेश्चन में फोर फीचर भी हो जाए, ये इसको स्पेशल केस बनाता है। यहीं से पेपर में एक केस स्टडी आएगी इस पूरे क्वेश्चन की, इस पूरे टेबुलेशन की। लेकिन इसको समझने के लिए पहले आपको जितना मैंने आज तक पढ़ाया है वो आपका अच्छे से होना चाहिए। अगर आप समझते हैं, देखो यहाँ से डिबेंचर शुरू हो गया तो लास्ट टॉपिक था बस ये हमारा, तो आप अगर समझते हैं कि हम इसी तरीके से ये वाला केस समझ लेंगे जो मैंने अभी बताया, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ शेयर भी निकालने पड़ते हैं, नंबर ऑफ अलॉटमेंट भी निकालना पड़ता है, रेशो भी निकालना पड़ता है, तब आप इन क्वेश्चन को कर पाएंगे। लेकिन उस क्वेश्चन से पहले आप सिंपल सिंपल क्वेश्चन के फोर फीचर का टॉपिक, सॉरी, सबसे पहले आप सीक्वेंस से बता दूं आज क्या करके लेकर आना है, आप तभी समझ पाएंगे कल का टॉपिक, अदरवाइज नो। और थ्योरी जरूर पढ़ें कल की, क्योंकि मैंने आपको कल मोटिवेट भी करा था, उस वीडियो को जरूर देखें, उसमें आपको सारी बातें मिल जाएंगी कि आपको वो वीडियो जरूर क्यों देखनी चाहिए थ्योरी की, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम न्यूमेरिकल नहीं कर पा रहे तो कम से कम थ्योरी तो हम करके आए। सबसे पहले बेटा आप क्वेश्चन करो कॉल्स इन अरियर के, जरूर करो, क्योंकि इसके बिना फोर फीचर समझ में नहीं आएगा। उसके बाद फोर फीचर के करो, ठीक है, फोर फीचर दोनों तरह का करो, जब प्रीमियम पास थी और जब प्रीमियम फेल थी, इस पे स्पेशल वर्क करो। सिंपल क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आएगा, छोटी सी बात में आपको फंसा लेगा यहाँ पे। फोर फीचर के बाद बेटा आप रीइश्यू करो, सिंपल वाला रीइश्यू, ठीक है, इसको टॉपिक को करो। रीइश्यू करने के बाद यहाँ पर पैसा भेजना सीखो शेयर कैपिटल रिजर्व में, सॉरी हाँ कैपिटल रिजर्व में कैसा पैसा ट्रांसफर होता है, ठीक है, इस इन क्वेश्चन को करो। इन क्वेश्चन को करने के बाद जो कल वाला टॉपिक है वो मैं करूंगा, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं पर रखेंगे, कल को मैं क्या करूंगा आपके सैंपल पेपर में से कुछ क्वेश्चन उठा लूंगा, तो जो हमने पढ़ा है बात इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं, लेकिन भाई करके आना पड़ेगा, आप ऐसे डिले नहीं कर सकते जैसे आपने कल किया, फिर तो मेरी मेहनत का कोई फायदा नहीं है, ना आप कर सकते कुछ ना मैं आपको करवा सकता। जितना काम मैं कह रहा हूँ उतना काम आप करके लेकर आओगे, तभी आगे की चीजें समझ में आएंगी। क्लियर? यस सर। तो बस आज क्लास में हम इतना ही रखेंगे, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। सर एक बार याद रखना,